हर किसी को पता है कि कॉन्फिडेंस इज अट्रैक्टिव, शर्माना इज नॉट। तो अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, चाहे फिर हम कैसे भी दिखते हों, ये क्वालिटी लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करती ही करती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे मरीसा पियर की अमेजिंग अमेजिंग बुक से, जिसका नाम है अल्टीमेट कॉन्फिडेंस, द सीक्रेट्स टू फीलिंग ग्रेट अबाउट योरसेल्फ से। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है, चेंज योर लैंग्वेज टू चेंज योर लाइफ। एक के बाद एक स्टडी ने शो किया है कि कॉन्फिडेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं उन लोगों के कंपैरेटिवली जो शर्माते हैं और जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। फेमस अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने बताया कि उन्हें ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्म करते वक्त कैसा लगता था। उन्होंने कहा, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है, एड्रेनलिन मेरी बॉडी में फ्लो होने लगता है, मैं बहुत स्वेट करता हूँ, बट ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस करने की जो अमेजिंग फीलिंग है, वैसे फीलिंग कोई नहीं है दुनिया में। कैली साइमन भी एक अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर है, उन्होंने भी लाइव परफॉर्मेंस करने की फीलिंग को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने भी कहा था कि मेरा हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है, बॉडी में एड्रेनलिन फ्लो होता है, स्वेटिंग होती है, लेकिन उनको लोगों के सामने परफॉर्म करने पे पैनिक अटैक आने लगता था। गेस, लाइव परफॉर्मेंस किसने पहले छोड़ी होगी? एग्जैक्टली, यू आर राइट, काली साइमन ने, क्योंकि उन्होंने हमेशा लाइव परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करने के लिए गलत लैंग्वेज यूज की थी। पॉइंट टू कहता है कि ट्राई टू स्पीक स्लो, मूव स्लो, बी काम। डायरेक्ट आंखों में देख के बहुत ही काम तरीके से स्लो बोलना एक लीडर की निशानी है। ऑथर कहती हैं कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अपनी चिन हमें ऊपर रखनी चाहिए, अपने शोल्डर्स नीचे और पीछे की तरफ रखने चाहिए और स्लो स्पीड में बोलना चाहिए। जो भी पावरफुल पीपल हैं वो स्लोली और कामली बोलते हैं। कोई भी कॉन्फिडेंस इंसान रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्टिव नेचर डोमिनेंस दिखाती है। पावरफुल लीडर्स आर ऑलवेज काम। ऑथर कहती है कि स्ट्रेंथ इज शोन इन स्टिलनेस, इसलिए इस तरह से बिहेव करो कि जैसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये बात इवन कि हमारे बॉलीवुड एक्टर्स भी जानते हैं और इसलिए वो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड काम, दैट्स द की, दैट्स द की, यू नो, दीस आर द मिस्टेक्स आई हैव डन, समथिंग आई आल्सो हैव लर्नड वेरी रिसेंटली, या या, यू नो, बिकॉज़ मोर देन एनीथिंग एल्स, या या, इट इज हाउ काम यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरा, या, दैट रियली मैटर्स, जस्ट या जस्ट बी जस्ट या रिलैक्स, आराम से बात करो, क्या हो गया। पॉइंट थ्री कहता है योर ग्रेटेस्ट नीड्स। ये पॉइंट कहता है कि हर इंसान की दो सबसे बड़ी नीड्स हैं, वन, सब उसे एक्सेप्ट करें, और सेकंड, कोई उसे रिजेक्ट ना करे। अब ऑथर को एक पेशेंट ने कहा, नहीं, मुझे रिजेक्शन से कोई डर नहीं लगता, मुझे परवाह नहीं है कि लोग मुझे रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, बस मेरी जॉब और पैसा मेरे पास रहने चाहिए। तो इस पर ऑथर कहती हैं कि जब तुम्हारी जॉब या तुम्हारे पैसे चले जाएंगे तब तुम्हारी सोसाइटी में पोजीशन चली जाएगी और फाइनली तुम रिजेक्टेड फील करोगे, इसलिए ये पॉइंट्स तुम पर भी फॉलो होते हैं। एक बार एक जर्नलिस्ट एक पंडित के पास गया और उसने उस होली मैन का बहुत मजाक उड़ाया, भगवान का मजाक उड़ाया और हर उस चीज का मजाक उड़ाया जो वो होली मैन विश्वास करता था, लेकिन वो होली मैन बस मुस्कुराता रहा और उसे जर्नलिस्ट की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर वो जर्नलिस्ट बोला, क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा, तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया मैंने। उस पर वो होली मैन बोला, मान लो तुम मुझे अगर कोई गिफ्ट देते हो और उस गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? ऑब्वियसली तुम्हारे पास। उसी तरह से जो भी तुमने मुझसे कहा मैंने उसमें से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मुझे तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑथर का भी यही पॉइंट है कि हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हमारे पास ही होना चाहिए, दूसरों के पास नहीं, इसलिए हमें खुद को पॉजिटिव थॉट्स फील कराते रहना चाहिए और दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। पॉइंट फोर कहता है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी कॉन्फिडेंट। ये पॉइंट कहता है कि हम परफेक्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं और ना ही हम कभी परफेक्ट बन सकते हैं, और जो इंसान बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश करेगा वो हमेशा दुखी ही रहेगा और कभी एक कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बन पाएगा। ऑथर कहती हैं कि उनके 24 साल के प्रोफेशनल करियर में एज ए थेरेपिस्ट उन्होंने देखा है कि सबसे खुश और कॉन्फिडेंट इंसान वो होते हैं जो इस पर फोकस करते हैं कि वो अपना बेस्ट दें और फिर वो खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोगों ने जब लॉरेंस ओलिवर की मूवी हेमलेट देखी तो सब रोने लग गए क्योंकि मूवी बहुत इमोशनल थी। इंटरव्यूअर्स ने लॉरेंस ओलिवर को घेर लिया और उनका इंटरव्यू लेने लगे क्योंकि वो उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, लेकिन लॉरेंस ओलिवर ने कहा कि मेरी इस परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा अच्छा मत लिखना, वरना जब ऑडियंस बहुत ही एक्सपेक्टेशन रख के मेरी परफॉर्मेंस देखने आएगी तो हो सकता है उन्हें दोबारा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ही ना लगे। ऑथर कहती है कि ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड विल ऑलवेज लीड टू डिप्रेशन। पॉइंट फाइव कहता है कि प्रेज योरसेल्फ। कभी अगर गौर से आप किसी बच्चे को देखोगे तो वो ये जरूर कह रहा होता है अपने पेरेंट्स को, मुझे देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने कैसी पेंटिंग्स बनाई हैं। इन शॉर्ट वो प्रेज यानी तारीफ मांग रहा है अपने पेरेंट्स से।
और अगर ऑब्वियसली उसे तारीफ मिलेगी तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। मान लीजिए अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स उसे कहते हैं, नहीं बेटा पेंटिंग भी आपकी बहुत खराब है और आप अच्छे भी नहीं दिख रहे, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा। अब ऑब्वियसली कई शॉपकीपर्स दुकानदार हमें मैन्युपुलेट करने के लिए, हमारी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रेस करते हैं कि आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे दिख रहे हो इसलिए आप इसे खरीद लो, या कोई फ्रेंड या रिलेटिव अपना काम निकलवाने के लिए हमारी इस हंगर को सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमारा माइंड समझ लेता है कि ये जेन्युइन प्रेज नहीं है, इसलिए वो उससे ज्यादा अफेक्ट नहीं होता। प्लस औरों से प्रेज लेके कॉन्फिडेंस लाने का ये बड़ा नुकसान है कि जिस वक्त बाकी लोग हमारी प्रेज नहीं करेंगे या हमें नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि बेस्ट मेथड ये है कि हम खुद की प्रेज करें। जब भी शीशे के सामने हम खुद को देखें तो हम खुद से बहुत पॉजिटिव वर्ड्स बोल सकते हैं, जैसे कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट या मोस्ट हैंडसम पर्सन। अब ये ऑब्वियसली कई लोगों को बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन ऑथर बोलती हैं कि ये चीज काम करती है, और अगर अकेले में हम खुद की तारीफ कर भी रहे हैं तो कौन सा किसी को पता चलने वाला है, इसलिए ऑलवेज प्रेज योरसेल्फ। पॉइंट 6 कहता है बिलीविंग एंड विनिंग। अगर एक सेल्समैन को ही अपने प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं है तो वो किसी भी कस्टमर को उस प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं दिलवा सकता। वैसे ही दूसरों को हमारा कॉन्फिडेंस तभी ही दिखेगा जब हम एक्चुअल में खुद में बिलीव करते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो कि पहले एक बॉडी बिल्डर, फिर फेमस एक्टर और फाइनली कैलिफोर्निया के गवर्नर बने, वो कहते हैं कि जब मैं 21 साल में अमेरिका में शिफ्ट हुआ था तो मुझे बहुत कम इंग्लिश आती थी और मेरे पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ हूँ। मतलब मुझे 100% यकीन था कि मैं एक फेमस एक्टर बनूंगा ही बनूंगा। कई लोगों को जब मैं अपने थॉट्स बताता था तो वो मुझे घमंडी भी समझते थे और कहते थे कि यार मॉडेस्टी के साथ जी, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं कभी मॉडेस्ट नहीं बना और खुद को हमेशा बेस्ट ही माना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। अर्न नाइटिंगेल, जो कि एक बहुत फेमस मोटिवेटर है, उन्होंने कहा था कि हमारी लाइफ की तरफ हमारा एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ का एटीट्यूड हमारी तरफ कैसा होगा। ऑथर बताते हैं कि उनका एक पेशेंट था जो बहुत सक्सेसफुल था लेकिन हमेशा डिप्रेस स्टेट में रहता था और उसे वीकेंड से बहुत नफरत थी। ऑथर जब पेशेंट को हिप्नोसिस स्टेट में लेके गई तो ऑथर को पेशेंट ने बताया कि एक बार वो अपने बोर्डिंग स्कूल से भागकर अपने पेरेंट्स के पास आ गया था और उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो वापस स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं माने, इसलिए वो नदी के पास जाके भाग गया ताकि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे ढूंढ लिया और एक सीडेटिव दे के बोर्डिंग स्कूल छोड़ आए, और ये उसके साथ बार बार होता रहा। अब जब भी कोई वीकेंड होता तो उसे सीडेटिव दे दिया जाता और वो हमेशा वीकेंड्स में थका हुआ महसूस करता, और इसकी वजह से उसे वीकेंड्स और अपने पेरेंट्स से नफरत हो गई थी। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स का ये एक्शन ठीक नहीं था, इसलिए ऑथर ने अपने पेशेंट से कहा कि उसके पेरेंट्स की इंटेंशन ठीक थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसका फ्यूचर अच्छा करना चाहते थे। और जब उस पेशेंट के इस इंसिडेंट को ऑथर ने एक नया मीनिंग दिया तो उसका डिप्रेशन बहुत कम हुआ और कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 8 कहता है कि ट्राई टू लर्न मोर। ये पॉइंट कहता है कि हमें जितनी ज्यादा नॉलेज अपने सामने वालों के कंपैरेटिवली होगी उतना ही ज्यादा हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बिकॉज सुपीरियरिटी विल ऑलवेज लीड टू कॉन्फिडेंस, इसलिए कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 8 पॉइंट्स देखे कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 कहता है चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर लाइफ, यानी एक कॉन्फिडेंट लोगों की वोकैबुलरी अगर हम यूज करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस एटीट्यूड को ही जन्म देगी। पॉइंट 2 कहता है ट्राई टू स्पीक स्लो, मूव स्लो, बी काम। इस पॉइंट में हमने देखा था कि स्टिलनेस शोज स्ट्रेंथ, यानी जितना काम हम रहेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट हम फील करेंगे। पॉइंट 3 कहता है योर ग्रेटेस्ट नीड्स, जिस पॉइंट में हमने एक होली पर्सन और एक जर्नलिस्ट की कहानी देखी थी कि जर्नलिस्ट के बहुत कुछ बोलने के बावजूद उस होली मैन को कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये कॉन्फिडेंस की निशानी है। पॉइंट 4 कहता है यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी कॉन्फिडेंट। ये पॉइंट कहता है कि कॉन्फिडेंस पर्सन परफेक्ट नहीं होते, बल्कि एक कॉन्फिडेंस इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है और अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी कमियों के बारे में क्या सोचते हैं। पॉइंट 5 कहता है प्रेज योरसेल्फ। इस पॉइंट में हमने देखा था कि प्रेज यानी तारीफ से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ऑथर कहती हैं कि बेस्ट यही रहेगा कि हम हमारी तारीफ का रीजन बने, वरना अगर हम दूसरे इंसान से प्रेज ले रहे हैं और जिस वक्त उसने हमें नेगेटिव वर्ड्स बोलना शुरू कर दिया उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली पॉइंट 6 कहता है बिलीविंग एंड विनिंग, यानी एक कॉन्फिडेंस इंसान अपने ऊपर 100% बिलीव करता है कि वो अपने गोल्स को पा ही लेगा। अगर हम खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो हम पर कोई बिलीव नहीं करेगा। पॉइंट 7 कहता है डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। इस पॉइंट में हमने देखा था कि अगर हम अपने डिप्रेशन का रीजन पता करके उससे एक अच्छा नया मीनिंग दे सके तो हम उस डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस इंसान बन सकते हैं। फाइनली पॉइंट 8 था ट्राई टू लर्न मोर। ये पॉइंट कहता है कि एक ज्यादा नॉलेजेबल इंसान
ग्रुप में अपने को ज्यादा कॉन्फिडेंट ही फील करता है। इसलिए हमने आपके लिए गीगल एप्लीकेशन बनाई है, जहाँ पर आप दुनिया के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोगों के द्वारा लिखी हुई बुक समरीज को पढ़ और सुन दोनों सकते हैं। यहाँ पर 130 से ज्यादा बेस्ट ऑफ बेस्ट लोगों की समरीज फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, हमने एक और नया सेक्शन स्टार्ट किया है गीगल एप्लीकेशन में, जहाँ पर हम बेस्ट राइटर्स की मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत ही एंटरटेनिंग वे में लेके आए हैं, राइटर्स जैसे कि विलियम शेक्सपियर, मुंशी प्रेमचंद एक्सेट्रा। तो आप इसे सुन के हमें जरूर बताएं कि ये नया सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।